जनपद में खाद की मारामारी पर हल्दर किसान यूनियन ने की जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा। महोबा में अपर जिला अधिकारी महोबा राजस्व राम प्रकाश तथा जिला मुख्य विकास अधिकारी चित्र सेन ने भारतीय हल्दर किसान यूनियन जिलाध्यक्ष जनक सिंह द्वारा किसानों की हो रही खाद की समस्या के समाधान हेतु वार्ता की गई, जिस पर दोनों अधिकारियों ने हल्दर किसान यूनियन जिलाध्यक्ष जनक सिंह को सकारात्मक जवाब दिए। अधिकारियों द्वारा पूर्ण रूप से आश्वस्त किया गया कि जनपद की लगभग हर सहकारी समितियों पीसीएफ व अन्य सहकारी दुकानों से जनपद सम्मानित किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाएगी। हल्दर किसान यूनियन जिलाध्यक्ष जनक सिंह ने किसानों से निवेदन एवं आग्रह के साथ आह्वान किया कि किसान बंधु थोड़ा सा सब्र रखें, किसानों की समस्या हल्दर किसान यूनियन की समस्या है। जिला मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष अगले वर्ष की तुलना में दुगनी खाद मंगाई गई है और अभी तक 6,000 मीट्रिक टन खाद बांटी जा चुकी है। जिलाधिकारी महोबा द्वारा सभी सोसाइटी सचिवों को निर्देशित किया गया कि जहां कर्मचारियों की कमी या समस्या है वहां ग्राम रोजगार सहित अन्य कर्मचारी की या गांव के जागरूक जिम्मेदार ईमानदार गणमान्य व्यक्तियों का सहयोग ले सकते हैं, लेकिन खाद जनपद की हर सहकारी समितियों से वितरित होना चाहिए। हल्दर किसान यूनियन के पदाधिकारी द्वारा शिष्टाचार भेंट में जिला सचिव अनिल प्रताप सिंह, कुलपहाड़ तहसील युवा अध्यक्ष शिवम सिंह चंदेल व कुलपहाड़ तहसील सचिव अखिलेश दीक्षित भी साथ में रहे। महोबा से जुगल किशोर द्विवेदी की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया? मेरा नाम जनक सिंह परियार है, मैं भारतीय हल्दर किसान यूनियन से महोबा जिला अध्यक्ष। किन मांगों को लेकर आज आप मिले? जैसे वर्तमान में हमारे सम्मानित किसान बंधुओं के लिए खाद की विकराल विकट समस्या चल रही है, जिसके संबंध में हम अभी आकर के डीएम साहब से यहाँ आए हैं कलेक्ट्रेट में, और एडीएम जो राजस्व हैं राम प्रकाश जी उनसे हमारी मुलाकात हुई। हमने संपूर्ण वृत्तांत बताया उन्हें। उन्होंने तत्काल में एसडीएम चरखारी से और एजीएम और डीडी जो होते हैं खाद वितरण के मुख्य अधिकारी उनसे तत्काल खाद की खेप और वितरण का पूरा बायोडाटा मांगा है। जहाँ जहाँ सोसाइटियों में खाद वितरण नहीं हुआ है वहाँ वेरी इम्पोर्टेंट प्राथमिकता रखते हुए खातों का वितरण सिस्टमेटिक तरीके से कराने का आश्वासन दिया है।